नमस्कार, डुकू किचन में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन होगा वो दबा ले। आज हम लाए सरसों वाली भिंडी की सब्जी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। मछली का टेस्ट जैसा ये सब्जी लगती है। चलिए हम बनाने चलते हैं। मैंने आधा के जी भिंडी ले लिया है, इसको धो के अच्छे से रख लिया। इसे हम दो पार्ट में कट कर लेंगे। सारे भिंडी को हम इसी तरीके से काट लेंगे। अब इसे हम फ्राई करेंगे। पैन को मैंने तेल को पहले गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म है अच्छे से, इसमें हम भिंडी डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। इसमें हम हल्का सा नमक ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि भिंडी में थोड़ा नमक अंदर तक चला जाए। हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें। अब इसका हम मसाला तब तक तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच हम पीली वाली सरसों रख लेंगे। इसमें 8-10 लहसुन के कली रख के इसमें हल्का सा पानी रख के इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तब तक भिंडी हमारा फ्राई हो रहा है। इधर देखिए इसका पेस्ट बन के रेडी हो गया है। भिंडी भी फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छा से फ्राई हो गया, एक भी टूटा नहीं है। इसको हम अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब इसका हम ग्रेवी तैयार करेंगे। भिंडी का कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सरसों तेल रख देंगे 2 से 3 चम्मच। अब इसमें हम फ़ौरन डालेंगे। सरसों का फ़ौरन वो अच्छे से पक गया है तो इसमें हम जो लहसुन और सरसों का जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। स्वाद अनुसार आप ऐड करें। इसमें हम ज़्यादा मसाला का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बस 2 से 3 ही आइटम इसमें हम यूज कर रहे हैं। भिंडी मसाला को हम फ्राई होने देते हैं। इसमें हम भिंडी भी डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। लाल होने तक इसे फ्राई करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो में अंत तक बने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए ये धीरे धीरे लाल हो गया है, मसाला भी बहुत ही अच्छा से फ्राई हो गया है, भिंडी भी फ्राई हो गया है। इसका हम ग्रेवी वाला सब्जी बनाना है। इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल के इसको हम ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए सब्जी बन के रेडी हो गया है। आप इसे गेहूँ का रोटी, मकई का रोटी, चावल ये सब के साथ सर्व करें। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब गर्मा गर्म आप भिंडी के सरसों वाले सब्जी सर्व कर ले। बहुत ही टेस्टी बना है ये सब्जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना है सरसों का भिंडी वाली सब्जी। प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और सच में बहुत ही टेस्टी बना है भिंडी की सब्जी। बहुत ही इजी रेसिपी है, कम मसाला में बनके रेडी हो गया है।